वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े टॉप 10 मोस्ट पूछे जाने वाले, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को, यानी हमारी जो हिस्ट्री की क्विक रिवाइज की सीरीज चल रही है, इसका नेक्स्ट यानी पार्ट नंबर 8 ये होने वाला है। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सीधी और चौड़ी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियाँ थी वो चौड़ी और सीधी थी। नेक्स्ट है नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो जो लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की, ये कैसी रही? अज्ञात लिपि थी, ध्यान रखना अज्ञात। नेक्स्ट है नंबर 3, विना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? यानी एकमात्र सिंधु नगर जिसमें एक भी दुर्ग नहीं था, तो ये था ऑप्शन नंबर डी, चन्हुदड़ो। नेक्स्ट है नंबर 4, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन, तो ये था धान्यगार, या इसको अन्नागार के नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम में अन्नागार के नाम से भी ये आ सकता है। नेक्स्ट है नंबर 5, नंबर 5 है विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट वात कहाँ मिला था? तो ये मिला था ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो में। तो विशाल स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। नंबर 6 है, देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो ये किससे संबंधित थी? ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। तो देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है नंबर 7, नंबर 7 में कहा है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता का? ये था ऑप्शन नंबर बी, लोथल। नंबर 8 है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत, तो ये थी कृषि, ऑप्शन नंबर ए कृषि थी। नेक्स्ट है नंबर 9, नंबर 9 में कहा है सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्न में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो ये नहीं था ऑप्शन नंबर सी, गाय। यानी सिंधु सभ्यता के टेराकोटे गाय नहीं था। नंबर 10 है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो जो वैदिक आर्य थे इनका जो प्रमुख भोजन था ये था ऑप्शन नंबर बी, दूध और इसके उत्पाद, यानी कि दूध और बाकी दूध मक्खन वगैरह जो इससे दूध से बनने वाले उत्पाद होते ये था। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।